अरे मार डाला मेरे बच्चे को उन जालिमों ने। अरे तूने किसी का क्या बिगाड़ा था? देखा जीजा गुरु मेरे बच्चे। अरे मुझे मत कर इतना जुल्म इन गरीबों पर। रोक दे ये खून खराबा। भगवान से डर, ऐसा ना हो कि कोई वंश चलाने वाला ना रहे। हट मेरे रास्ते से। मैं तो तेरी लात बर्दाश्त कर लूंगी मूर्ख, लेकिन भगवान की लात से डर। उसकी लात जब पड़ेगी ना तो तेरे सात जन्म खराब हो जाएंगे। ना शुक्रगुजार औरत, तूने बहू को घर से भगाकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अरे जीजा जी, मैंने गांव का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वो कमबख्त हमें कहीं नहीं मिला। लगता है आपकी दहशत के मारे वो और उसका खानदान गांव छोड़कर भाग गए। हम जमीन से आसमान तक उसे नहीं छोड़ेंगे। वो कलंकड़ी जहां भी हो उसे ढूंढ निकालो। करण, गांव में इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? लगता है दाताश्री का कहर इस गांव पर टूट पड़ा है। भागो तुलसी, जल्दी चलो। शंकर भैया की जान खतरे में, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। मगर बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें ऐसे हालात में नहीं जाने। समझने की कोशिश करो तुलसी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। रुको यहाँ। सिंदूर भर के हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाया है। मैं सारे गांव वालों के सामने तेरा सिंदूर उजाड़ के तुझे फिर से विधवा बना दूंगा। वैसे तो पति के मरने के बाद औरत को विधवा का जोड़ा पहनाया जाता है। आज मैं तुझे पहले विधवा का जोड़ा पहनाऊंगा और फिर तेरी आंखों के सामने तेरे पति शंकर को मारूंगा। ये
लीजिए जीजाश्री, पहना दीजिए इसे विधवा का जोड़ा। इसका सुहाग जिंदा है ठाकुर, किस माई के लाल में हिम्मत है जो इसका सुहाग उजाड़ सके। दम है तो चला गोली, चला। जाओ लक्ष्मी, अंदर चलिए, पागल मत बनो, जाओ अंदर। नहीं भाभी नहीं, हमें दाताश्री की गोली से नहीं मर रहे हैं। सुनो, अगर इस वक्त भी तुम लोग डर के घर में छुप गए ना, तो ठाकुर का जुल्म कभी खत्म नहीं होगा। तुम तो शंकर के खास मिलने वाले हो, शंकर दाता गुरु के फौज से अकेले लड़ रहा है, तुम हिम्मत करके मेरे साथ चलो। भाभी जी मैं जरूर चलता, मगर दाताश्री की फौज के सामने हम क्या कर सकते हैं। माफ करना भाभी जी, माफ करना। नहीं दयाल, दयाल, दयाल मेरी बात सुनो, दयाल, दयाल, अरे बुझ दिलो। इस तरह डर कर घर में छुप जाओगे तो दादा गुरु के गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। बगावत की चिंगारी उठी है तो उसे शाला बन जाने दो। मैं कहती हूं बाहर आओ, ऐसे डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चल बेटी मेरे साथ, ये पुरजुल गांव वाले तेरे साथ क्या चलेंगे, चलो मेरे साथ। चल बेटी ठहरो, हम भी आते हैं। एक और नाम मरने वालों की लिस्ट में है। क्या चाहिए? ये बंदूक मेरे को दे दे। कौन है? अरे यार तू फिर मार खा के आ गया, मार खाने वालों की लिस्ट में तेरा भी नाम लिखना पड़ेगा। चल जाके मार। नहीं जाऊंगा। श्री अभी भी वक्त है, उतार दीजिए अपने दिमाग से ये बर्बादी का जुनून, कहीं ऐसा ना हो
कि हमारे खानदान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। इससे पहले कि हमारे क्रोध का कहर तुझ पर टूट पड़े, हमारी नजरों से दूर हो जा। वक्त की नजाकत को समझो दाताश्री, आपके खिलाफ बगावत की ये चिंगारी अब शोला बन चुकी है, पर इन शोलों के लपटों से अब नहीं बच सकते। अब भी वक्त है, छोड़ दो अपने घमंड को, एक बार इन गांव वालों से माफी मांग कर तो देखो, ये गांव वाले आपका हमेशा के लिए माफ कर देंगे। एक बार माफी मांग कर देखो। दाता गुरु सिर्फ माफ करता है, माफी मांगता नहीं। रुक जाइए दादाश्री, मेरी बात सुनिए दादाश्री, रुक जाइए, रुक जाइए दादाश्री। तुलसी बेटिया, कहाँ जा रहे हो मामा? यूं ही बल्ला बल्ला खेल रही हो क्या? हाँ, बल्ला बल्ला खेल रही हूँ। जीती रहो, खेलती रहो, मुझे जाने दो। आपको जाने दो मामा? हाँ बेटिया, ये ले। राम बलि करे। तुलसी बेटिया, तुलसी बेटिया। मामा, तुमने इधर की बात उधर करके सारे गांव को बर्बाद किया। नहीं। जलती हुई आग में तेल छिटकने का काम किया है तुमने। तू जाना चाहता है ना? हाँ। देख, तुझे तेरे ससुराल वाले लेने आए हैं। राम बलि करे, राम बलि करे। क्या रे मामा? मामा करण बेटे, अच्छा हो गया तू आ गया रे। देख देख, तुलसी पागल हो गई रे, ये गांव वाले पागल हो गए हैं, ये पागल हो गए रे, ये तेरे मामा को मार देंगे, तेरे मामा को मार देंगे रे। मामा, अच्छा होता कि तुम पहले ही मर जाते। क्या कह रहे? कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आई मजाक करने की तेरी बचपन की आदत नहीं गई रे करना, अपने मामा पे हाथ उठाता है रे। मामा, हमारे खानदान की बर्बादी का कारण तू है। बाजे, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे वचन देता हूँ कि राम बलि करे, मैं गांव छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा रे। तीर्थ यात्रा करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? बहुत शौक है बाजे, बहुत। अभी तुम्हें भेज देता हूँ। Ugh!
जी? जी। इसका नाम भी लिख ले मरने वालों की लिस्ट में। मैं नहीं लिखता। क्यों? ऐसे पापी का नाम लिखने से मेरे हाथ खराब हो जाएंगे। तो इसको देखने की क्या जरूरत है, आंखें खराब हो जाएंगी। आंखें बंद कर लेते हैं। बाबा पहले कहा था ना खून की होली मत खेलना, इसका यही अंत होता है, यही अंत होता है बाबा।